बाहुबली फेम प्रभास ने अपनी अगली फिल्म साहू की तैयारी शुरू कर दी है। फिल्म के निर्माताओं ने इसके लिए अभिनेत्री श्रद्धा कपूर को बतौर हीरोइन भी चुन लिया है। अब खबर यह है कि फिल्म में खलनायक की भूमिका के लिए जैकी श्रॉफ को फाइनल कर लिया गया है। फिल्म में तीन विलेन होंगे और तीनों ही बॉलीवुड से हैं। जैकी के अलावा नील नितिन मुकेश और चंकी पांडे भी फिल्म में खलनायक की दिखाएंगे। फिल्म में तीनों विलेन अलग अलग मिजाज के होंगे। चंकी पांडे डार्क किरदार में होंगे, वहीं जैकी श्रॉफ बेहद सरल और कूल दिखेंगे, जबकि तीसरे विलेन नील नितिन मुकेश एक ऐसे बुरे आदमी होंगे जो कि तकनीक का जानकार है। जैकी ने साहू में काम करने के बारे में बात करते हुए कहा कि मैं साहू में प्रभास के साथ काम करने को लेकर बेहद खुश हूँ। प्रभास इस समय भारत के सबसे बड़े अभिनेताओं में से एक हैं। साहू को 150 करोड़ रुपए के बजट में तैयार किया जाना है और प्रभास इसके लिए 30 करोड़ रुपए बतौर फीस चार्ज कर रहे हैं। फिल्म तमिल, तेलुगू और हिंदी में एक साथ रिलीज होगी। डायरेक्टर सुजीत द्वारा निर्देशित इस फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में शुरू हो गई है। इसके बाद रोमानिया, अबू धाबी और यूरोप में भी फिल्म को फिल्माया जाएगा। 2018 तक इसके रिलीज होने की संभावना है।